फिल्म में ये है, फिल्म में आप प्रॉपर आप जैसे थिएटर करते हो वैसे, और सेम लाइक ओटीटी में आपको प्रॉपर फ्रीडम दी जाती है। कहते हैं ना एक सिंपल सी, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो अगर हमने आपने आपको बेचना है तो पर्दे पे कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहना पड़ेगा। हाय गाइस, दिस इज़ पारस मदान और आप देख रहे हैं जॉइंट फिल्म्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और खूब सारा प्यार दीजिए, मुझे भी दीजिए, जॉइंट फिल्म्स को भी दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक्टिंग में हर रोज नए नए बदलाव आते रहते हैं, नए नए मीडियम्स आते रहते हैं और उसके साथ साथ कंटेंट और आर्टिस्ट का भी तरीका बदलता रहता है। ये सब कैसे होता है, मेरे साथ बताने के लिए हैं पारस मदान। वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड और आपकी भी डिमांड, मेरी भी डिमांड। ओके, तो ये जो डिमांड में आप बने हुए हो, इसके लिए क्या खास स्ट्रेटजी अपनाई हुई है आपने? स्ट्रेटजी तो खैर कुछ नहीं है एक्टर का, सिर्फ एक ये रहता है मीडियम की सबसे ज़्यादा कि वो पर्दे पे रहे, और जब पर्दे पे रहता है तो जो कहते हैं ना एक सिंपल सी, जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो अगर हमने आपने आपको बेचना है तो पर्दे पे कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहना पड़ेगा। तो बस उसी तरह हम सुर्खियों में बने हुए हैं, कुछ ना कुछ मीडियम में घुसे रहते हैं। कभी कुछ वेब सीरीज़ हो गई, कुछ यूट्यूब के छोटे मोटे गिग्स हो गए, या कोई अवार्ड शो हो गए, ऑनलाइन हो गई चीज़ें, तो कहीं ना कहीं अपने को बिजी रखते हैं। तो यही एक छोटा सा मीडियम है जो हम ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, नॉर्मली परस ये होता है जो यंगस्टर एक्टर आते हैं उनको ये लगता है कि यार जाएंगे और बस काम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप सच्चाई जानते हो कि ये सच नहीं है। मैं आपकी बात काटूँ, मैं भी यही सोच के आया था कि जाऊँगा और काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। तो फिर वो जो दौर होता है, हाँ, वो किस तरह से गुजरता है और क्या क्या लोग बोलते हैं, उससे कितना फ़र्क पड़ता है, कितना डिसहार्टन होते हैं सीनियर स्ट्रगलर जो हैं, बिल्कुल वो डिस्करेज करते हैं, ये सब कैसा रहता है माहौल, जरा बताएंगे? थोड़ा सा ऐसा है कि जब मैं आया था 2008 में, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आया था मैं दिल्ली से, कि एटलीस्ट एक साल मेरे को हो गया था करते हुए। वहाँ पे मैंने थिएटर भी किया, मैंने वहाँ मॉडलिंग भी करी, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पे इतना क्रेज़ नहीं था कि हाँ प्रॉपर टेलीविजन इंडस्ट्री या कमर्शियल्स वहाँ पर है। वहाँ रैम शो फैशन ज़्यादा है। अब क्या हुआ, अब वहाँ एक साल का एक्सपीरियंस जब लिया और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे लिए ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का फ़र्क था, बिकॉज वहाँ का लाइफस्टाइल और बॉम्बे का लाइफस्टाइल टोटली अप डाउन। यहाँ पे आपको अच्छा इंसान ना वो रोड पे आ जाता है और फिर जब वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है वो अलग होती है। स्टार्ट हुई जर्नी, धीरे धीरे इंटरेक्शंस हुई, लोगों से बातचीत हुई, ऑडिशंस देने स्टार्ट किए, तब वो पता लगा कि ये लाइफ टोटली अलग है, जहाँ पे आपको ही मदर बने हो, आप ही फादर बने हो और डिसीजन ही आपने लेना है। तो वो एक जब चीज़ हार्डवर्क करवाती है ना आपसे, तो आप या तो वापस पवेलियन चले जाते हो या आप सीधा मैदान में उतर के चौके छक्के मारते हो। ओके, जो क्वेश्चन का एक पार्ट था मेरा कि ये जो सीनियर स्ट्रगलर्स होते हैं, जो ये सो कॉल्ड समझते हैं कि हमें सब मालूम है कैसे काम मिलता है, उनको कैसे डील किया आपने? सी, राय सबकी लो, करो अपनी, करो अपनी, क्योंकि क्या है ना 10 जगह जाओगे वहाँ की 10 बातें हैं। अडेप्ट करो अच्छी चीज़ें। मोस्टली इंडस्ट्री में क्या होता है, लोग आते हैं वो बुरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भाग जाते हैं। वो आपकी समझदारी है कि आप उस चीज़ को कैसे अडेप्ट करते हो। देखो, जो सीनियर होंगे, जो थिएटर से होंगे या फिल्म टेलीविजन से होंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा, वो अलग चीज़। जैसे हमारे मदर फादर हैं, उनको एक्सपीरियंस हो तो बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि नहीं बेटा आप ऐसे करो या वैसे करो। तो वैसे ही हमने काफ़ी लोगों से मिला, इंटरेक्शन किया, लोगों से बातें निकलवाई कि क्या टिप्स हो सकते हैं या क्या पॉइंट हो सकते हैं। कुछ चीज़ें अडेप्ट करी, कुछ चीज़ें छोड़ दी। मतलब एक्सपर्ट्स और सीनियर्स को आपने फॉलो किए, जो अवेलेबल स्ट्रगलर थे उनको नहीं, क्योंकि वो भी उसी मझधार में, जिस मझधार में हमें कहते हैं ना कश्ती पे चल रही है कश्ती, कि बस पुश देने वाला चाहिए, तो हम उस कश्ती में चढ़ गए जो ऑलरेडी सेल कर रही थी। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? अभी सबसे पहले लेटेस्ट जो हमारा है वो साइबर सिंघम है, एपेक्स प्राइम पे अभी आया है। तो अभी उसके 4 एपिसोड रिलीज़ हुए, तो आगे के एपिसोड की वेटेज हो रही है कि कब जल्दी से रिलीज़ हो और पूरी सीरीज़ के बारे में पता चले कि वो क्या है एटलीस्ट। राइट, तो ये जो साइबर सिंघम है, अपने आप में नाम ही बहुत खास है। बिल्कुल, है ना, साइबर भी है और सिंघम भी है। बिल्कुल, सिंघम भी डराता है, साइबर भी डराता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है? बेसिकली ये सीरीज़ जो है ये प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी हैं, जो कि IPS हैं साइबर क्राइम में, यूपी में, लखनऊ में। तो ये जितने भी केसेस हैं या जितने भी हम अभी उनकी सीरीज़ या जितने भी एपिसोड बना रहे हैं, वो उनके रियल केसेस हैं जो सॉल्व किए गए हैं। तो उनकी चीज़ों पे वो आधारित हमने वो एपिसोड थोड़ा फिल्मी तरीके में स्क्रिप्ट को ऐसा बनाया कि थोड़ा लोगों को क्रिस्प लगे या चीज़ें लगे, बट लेकिन जैसे जो केसेस हमने वहाँ पे सॉल्व किए हैं वो एक्चुअली उन्हीं की चीज़ों पे आधारित है कि उनके कैसे सॉल्व हुए थे या उन्होंने कैसे पकड़ा या क्या टेक्निकल चीज़ें यूज़ करी थी। तो इसको अभी ऑडियंस कहाँ देख सकती है? Apex Prime OTT प्लेटफॉर्म है, आपको गूगल प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फ्री है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। और उसके बाद बताइए कि आपको पारस की वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी लगी साइबर सिंघम में। जी ओके, अब क्या क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं? अभी 2-3 चीज़ों में काम चल रहा है। हमारी पिछले साल एक और वेब सीरीज़ हमने करी थी जो कि अभी फाइनल स्टेज पे है, वो भी जल्दी आ जाएगी। और एक चीज़ हमने रियलिटी शो और किया था जिसमें मैंने होस्ट किया था, प्रॉपर शो है, वो भी जल्दी आएगा। वो सारी चीज़ें लाइन बाय बैक टू बैक लगी हुई हैं। और रही बात टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न में मैं थोड़ा सा अभी ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं चीज़ अच्छी मिल जाए, बिकॉज अभी टेलीविज़न की लाइफ बहुत शॉर्ट हो गई है। राइट। क्योंकि OTT इतना वास्ट हो गया कि आपके पास इतना एक्सपोजर है करने के लिए, इतनी चीज़ें हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं करने के लिए। क्योंकि टेलीविजन में वही सास बहू है, वहाँ ज़्यादा आप वेराइटी दिखा नहीं सकते हो। मेल कैरेक्टर होते हैं वो सिर्फ गलती करने के लिए, बस वो गलती करने के लिए होते हैं, बस आए और पकड़े और जितने भी विमेन ओरिएंटेड सुधार करने के लिए, वो इसी के लिए है ना, चाहे बिजनेस सुधारना हो, चाहे कुछ भी करना हो, बाकी काम उनके बाद है। ओके, लेकिन अब ये भी हो गया ना कि OTT पे कंटेंट इतना बदल रहा है कि आपको अपने आप से भी एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने टेलीविज़न में काफ़ी शोज़ किए हैं, 2008 से मैं करता आ रहा हूँ। मेरा लास्ट शो बेहटू था, उसमें मैंने राजीव कैरेक्टर किया, उससे पहले बिच्छू था, उसमें मेरे को शेड मिला, ग्राफ मिला, क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट जोनर पे थे शोज़। साइफाई था जो बिच्छू वाला कैरेक्टर था, वो टोटली डिफरेंट था। फिर जब मैं वेब सीरीज़ में आया तो वेब सीरीज़ में आपके पास इतनी वर्सिटैलिटी होती है कि आप एक्चुअली उस कैरेक्टर में घुस जाते हो। क्योंकि सीरियल में क्या है, आप एक पर्टिकुलर लिमिट में आप बन जाते हो, आप उससे बियॉन्ड जा नहीं पाते, क्योंकि डायरेक्टर्स का और ऑडियंस का और चैनल का बहुत इनपुट रहता है कि हमें ज़्यादा नहीं दिखाना है। क्या एक्टिंग में भी कुछ एक वास्ट डिफरेंस आ जाता है जब आप टीवी के लिए काम करते हो या वेब सीरीज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेलीविजन में क्या है, आपके पास एक बाउंड्री है, लिमिटेड है। कुछ डायरेक्टर्स होते कि नहीं, उनको बैक टू बैक स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट ही जाना है या उनके अकॉर्डिंगली जाना है। फिल्म में यह है, फिल्म में आप प्रॉपर आप जैसे थिएटर करते हो वैसे, और सेम लाइक OTT में, OTT में आपको प्रॉपर फ्रीडम दी जाती है कि आप उसी कैरेक्टर को किस तरह निभा रहे हो या आप कैसे जी रहे हो, वो आपको मैटर करता है। और OTT आई थिंक ज़्यादा वास्ट है और ज़्यादा खुल के आप कर सकते हो। और अब तो प्रेजेंट टेंस वही है, बस वही है। तो आप इस तरह से काम करते हैं और नए रोल में हमें दिखते रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये थे पारस मदान, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि देखिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। बाकी लोग आपको डराते रहेंगे, कुछ समझाते रहेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप उनकी कौन सी बातों से समझते हैं, कौन सी बातों से नहीं समझते। सीनियर स्ट्रगलर जो मैं वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी कही बात की, जब मैं भी स्ट्रगलर हूँ तो मैं स्ट्रगलर से जानूंगा क्या, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लोग आपको डिस्करेज ही करेंगे, उससे दिक्कत ही आएगी। दूसरी बात ये कि आपको नए नए रोल की तलाश भी खुद ही करनी पड़ेगी, आपको ही तलाशना पड़ेगा कि ये मेरे को OTT में मिल रहा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की अभिव्यक्ति जितनी ज़्यादा अच्छे से पूरी होती रहेगी, वो आर्टिस्ट अपने आप में भी ग्रो करता जाएगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए JoinFilms ऐप।